फ्रेंड्स, आज मैं दिखाना बोलूँ आपको हंटर के अंदर क्लिप ऑन हैंडल, क्योंकि आपने देखा होगा इसके अंदर जो लगा होता है वो अपना ये वाला हैंडल लगा होता है, जैसे कि देखते हो आप एक हंटर दर दिख रही है आपको, जिसके अंदर नॉर्मल हैंडल लगा हुआ है। ये देखो, इसका हमने हैंडल तो निकाल दिया है, ये हैंडल इसका निकल चुका है इसका। और हैंडल निकलने के बाद ना हम जो इसमें लगा रहे हैं वो देखो, हमने इसमें क्लिप ऑन हैंडल की फिटमेंट बना दी है, प्रॉपर फिटमेंट है, कोई इसमें जुगाड़ नहीं है, सिंपली है, इजी टू फिट, अल्ट्रेशन कुछ नहीं करनी इसके अंदर। अभी इसको करते हैं पूरी तरीके से इंस्टॉल्ड, और जब पूरी तरीके से इंस्टॉल्ड हो जाएगा ना फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि इसके लगने के बाद, क्लिप ऑन हैंडल लगने के बाद ये बाइक कैसी दिखने वाली है और कैसी इसकी राइडिंग फील करोगे आप जब आप राइड करोगे, सारा कुछ दिखाऊंगा इसके अंदर। वैसे मैंने अभी तक जितनी वीडियोज बनाता हूँ ना मैं, मैंने राइड करके एक में भी दिखाया, बट इसके अंदर मैं आपको दिखाऊंगा राइड करते हुए किस तरीके से लुक आती है राइडर जो चलाता है उसकी चलाने के बाद इसके अंदर। तो करते हैं स्टार्ट, करते हैं कंप्लीट इसको, फिर आपको दिखाता हूँ इसी करके इसमें क्या क्या हुआ है। वैसे तो यहाँ एक और हंटर खड़ी है, एक हंटर उधर भी दिख रही है आपको, उसमें भी काम चल रहा है, तो काम सभी हंटर के अंदर चल रहे हैं, बट मेन जो होगा हमारा मोटी ये वाली होगी, बाकी सबके दिखा देंगे क्या दिक्कत है। तो फ्रेंड, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था, मेन हमारा मोटिव टॉपिक हमारा जो रहेगा वो रहेगा हमारा हैंडल पर, जो कि हमने इसमें लगाया क्लिप ऑन हैंडल, जैसे कि आप देख सकते हो। तो बात हैंडल की, तो हैंडल ही दिखाएंगे। वैसे अपने सामने एक दो तीन, तीनों हंटर खड़ी हैं, तीनों हंटर की हमने मॉडिफिकेशन की है, मैं एक एक करके सबको दिखाऊंगा। पहले दिखाता हूँ अपनी फर्स्ट बाइक जो है, आइए इधर, ये देखो कोई जुगाड़ नहीं है, सिंपली इजी टू फिटेड वाला इसके अंदर काम किया गया है, चाहे इस तरफ हो चाहे इस तरफ हो, आप देख लो, देखने में आपको लगे कि किसी बाइक का है, तो किसी बाइक का आपको जज भी नहीं कर सकते कि जीटी का है या आपका हंटर का ही है, ऐसा लगेगा हंटर का है। इसके अंदर हमने ये लगाया है हैंडल, और ये आपका प्रॉपर फिटिंग के अंदर। अब बात करें अदर मॉडिफिकेशन, तो देखिए साथ में मैंने कहा था बोपो का ओरिजिनल मोबाइल होल्डर, जिसमें मोबाइल होल्डर कहीं पर भी आप ईजी टू राइड कर सकते हो, GPS ऑन करने के लिए इसमें ये लगा देगा, और साथ में ये साउंड भी नहीं करता, और इसके बाद इसमें मोबाइल होल्ड करने के बाद ना आपका इजीली चोरी भी नहीं होगा, और इसी मिलते पूरे एक साल की गारंटी। इधर आपके इसमें बार एंड मिरर लगा देंगे, इस तरफ भी एंड इस तरफ भी, जैसे कि आपने GT वगैरह के अंदर देखा उस तरीके के, वही सेम इसमें लगा देंगे। आपके रॉयल एनफील्ड की ब्रांडिंग मिल जाती है इसके अंदर आपको, और साथ में आपको देखने मिलेगी इसके अंदर हेडलाइट, ये देखिए माइनस हेडलाइट, ये भी इसके अंदर लगा देंगे, जिसके अंदर आपको मिलेगा येलो पॉइंट, एंड आपका ये हो गया आपका लो पॉइंट, ये हो गया आपका हाई पॉइंट, लो हाई मतलब बटन लगा रखा है इसके लिए हमने, बटन से ऑफ़ करेंगे तो ऑफ हो जाएगा, वाइट आपका जलता रहेगा, और येलो इसके साथ में हो ही गया है। और इसके बाद आपको देखने मिलेगा इसके अंदर क्रैश गार्ड, ये देखिए क्रैश गार्ड भी इसके अंदर लगा दिया गया, जो कि मिलेगा बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी का, हैवी क्वालिटी का, ड्यूल स्लेटर का क्रैश गार्ड इधर भी एंड इस तरफ भी। और जैसे क्रैश गार्ड इसके अंदर लगा वैसे हमने लगा इसके अंदर, ये भी चेक कर लो क्रैश गार्ड इसमें वही सेम लगा, इस तरफ भी एंड उस तरफ भी। लुक देखो कैसी आती है इसकी लगने के बाद दोनों तरफ से, जब भी बाइक आपकी गिरती है ना तो आपकी बाइक को पूरी तरह से प्रोटेक्शन प्रोटेक्ट करती है ये वाला क्रैश गार्ड, और हैवी क्रैश गार्ड है, इसकी मिलती है वेल्डिंग पॉइंट की गारंटी लाइफ टाइम की, जब भी वेल्डिंग पॉइंट टूटते हैं अपने आप तो ये हम चेंज कर देते हैं फ्री में। और इसमें आपका नॉर्मल लेग गार्ड है, बाकी इन दोनों में लगाया क्रैश गार्ड, और सम गार्ड की बात करते हैं, इसके अंदर हमने लगाया लेज़र कटिंग वाला हैवी वाला सम गार्ड, जो कि देख सकते हो हंटर की ब्रांडिंग मिल जाती है इसके अंदर। और ये लगाने का जो मोटिव होता है, देखो इसके अंदर आपका हंटर ब्रांडिंग, उसके अंदर नॉर्मल लगाया था लास्ट टाइम ने, ये देखो दोनों अलग अलग हैं और दोनों ही मिल जाएंगे हमारा, चाहे बोले लो चाहे ये ले लो, वो प्रीमियम हो गया ये आपका नॉर्मल हो गया। लैमिनेशन की बात करते हैं, तो इसके अंदर लैमिनेशन कर दी है अभी, इसके अंदर अभी लैमिनेशन करी है, जिससे कि शाइन ज़्यादा हमारी, देखो इधर भी हो गया इधर भी हो गया, पूरी लैमिनेशन करते ही है आगे से लेकर पीछे तक, जो कि आपकी बाइक नई है तो नई ही रहने वाली है इसके अंदर। और इसके बाद इसके अंदर बात कर रहे थे, तो इसके अंदर हमने ज़्यादा नहीं दो चार काम ही किए हैं, लाइक इसके अंदर आपके बार एंड मिरर लगाए जो कि आप देख लो, साथ में सिमटेक का ओरिजिनल मोबाइल होल्डर लगाया है इसके अंदर, जिससे कि इजी टू राइड भैया भी कर सके, एंड इसके अंदर हमने लगा दिया ये GPS माउंट, जिसमें आपका इंस्टा भी लगा सकते हो, GoPro भी लगा सकते हो, कुछ भी इसके अंदर आप लगा के राइड कर सकते हो। इधर बार एंड मिरर इस तरह हो गया, इसी तरह इस तरफ भी हो गया, एंड आपको मैं जो दिखाने वाला हूँ हेडलाइट के अंदर LED वो भी इस तरह आपके लगे होते हैं साथ में इसके अंदर, बुलेट इंडिकेटर भी लगा दिए गए हैं, जो कि रोशनी देख लो किस तरीके से इसकी आती है, इस तरफ से देखो अल्टीमेट रोशनी, मतलब मज़ा ही आया इधर नाइट के अंदर ना, इस तरफ भी एंड इस तरफ भी। और यहाँ पर आकर इन सब की मॉडिफिकेशन हो चुके कंप्लीट। अब मैं बुलाऊंगा भाई लोगों को, बाहर नहीं अंदर, एक ही मॉडिफिकेशन आपने देख लिया तीनों की, अब तीनों भाइयों को एक साथ बुलाऊंगा,
क्योंकि तीनों फ्रेंड है और तीनों ने कहा हमने सबने कराना है, सभी ने अपना अपनी अपनी बाइक तो मॉडिफाइड करा ली। अब इनका एक्सपीरियंस रुके कैसा इनका एक्सपीरियंस रहा पहले का भी और अब का भी। तो हेलो भाई लोग, तीनों के तीनों आ जाओ, कैसे हो मिस्टर, नाम बताइए। शुभ्रजीत। आप बताइए भैया। अजय घोषाल। आप भैया? आशीष। आशीष, तो आप लोगों को बताओ कि आपने जो जो काम कराया आपको कैसा लगा और रेट वगैरह क्वालिटी वगैरह कैसी लगी और एक्सपेक्टेड था कि आपका इसके अंदर क्लिप ऑन लग सकता है नहीं लग सकता? मतलब मैंने तो पहले भी कराया था इस पे काम और अब वापस आया हूँ, मतलब मेरे को तो बहुत अच्छा लगा था एक्सपीरियंस, काम क्वालिटी वगैरह सब कुछ एक साल हो गया मेरे को और बहुत अच्छा चल रहा है। और वापस से भी आके मैंने अभी और एक्सेसरीज लगाई हैं, माउंट्स वगैरह लगाए हैं, तो क्वालिटी तो A+ क्वालिटी है। आपने क्या करवाया? मैंने अभी क्लिप ऑन्स लगवाए हैं, बार एंड हेडलाइट वगैरह सब चेंज किया। मेरे को लगा था कि बार एंड मतलब सॉरी क्लिप ऑन्स लगाते टाइम कटिंग वगैरह करनी पड़ेगी, क्लिप ऑन्स लगवाया है उसमें और वो बहुत एकदम फिटेड बैठी है, कुछ कटिंग नहीं हुआ है उसमें, सब कुछ सेट है। हेडलाइट वगैरह भी बहुत अच्छा लगाया है एंड क्रैश गार्ड लगाया मैंने उसमें, बार एंड मिरर लगवाया, सब एकदम ओके। क्वालिटी मुझे लगा था कि पता नहीं आफ्टर मार्केट कैसा होगा, बट बेस्ट क्वालिटी मिला है और प्राइस तो मतलब मेरे को बहुत ही ज़्यादा डिस्काउंट भी मिला है और अच्छा प्राइस है काफ़ी। मैं मतलब एक्साइटेड लग रहे हो आप वैसे? हाँ, अभी चलाऊंगा तो फिर और मजा आएगा। जीटी वाली फील हो गया। जीटी लाइट। और आप बताइए सर? बढ़िया लगा, अभी तो पीपीएफ करवाया है, बाकी नेक्स्ट टाइम आएंगे तो सब कुछ करेंगे, हम भी क्लिप ऑन वगैरह लगाएंगे इसमें, देख के तो मजा। प्लान तीनों का, तीनों क्लिप ऑन लगवाएंगे? लगवाएंगे तो जरूर। पहले भाई का देख लें, भाई को कैसा एक्सपीरियंस आया था चलाने में, मजबूत है कंफर्टेबल है तो लगवाएंगे, वरना नहीं लगवाएंगे। चलो जो ऑल ओवर सेटिस्फाइड तीनों भाई लोग। और हमारा कोई भाई बंधु आ रहा है, तीनों एक साथ बता देना कि क्या रिकमेंडेशन रही थी इस सब की, कि कोई आ सकता है ऑल इंडिया से? नहीं, बिल्कुल 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 ऑल इंडिया से, मतलब बिल्कुल सामने ही है, करोल बाग के बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट में ही है, तो कोई अफोर्डेबल प्राइस में रहता है इधर, सब कुछ बढ़िया है, आओ सब कुछ काम वाम कराओ। चलो, थैंक यू सो मच आप सभी भाइयों का आने के लिए, आपका भी एंड आपका भी। ये वीडियो अच्छी लगे हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आपको क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा, कि आप सभी कमेंट पढ़ता भी हूँ एंड मैं रिप्लाई भी करता हूँ। और बाकी अगर कोई क्वारीज वगैरह हो, कहीं पर सामान मंगाना हो, ऑल इंडिया हमारी डिलीवरी है, स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहा है 7827217714 और डिस्क्रिप्शन के अंदर एड्रेस लोकेशन सब डाल रखा है, बट अगर नहीं मिलते हैं तो वो भी आप मुझसे मंगा सकते हो कॉल करके व्हाट्सअप करके। तो बाकी वीडियो चलो, चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब भी कर देना, कि आपका भाई ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो एंड ब्लॉग्स लाता रहता है। तो इसी के साथ मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय श्री राम, गुड बाय।